आकाशी दर हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी के तौर पर लगे हुए हैं। अब आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से सशक्त मजबूत हुआ है अधिकतम मतदान से। ये आपको दिखा रहे ओम मताधिकार यानी कि करने से। और आज राजस्थान में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं, लोकतंत्र का उत्सव है, हम सब मतदान करें, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से देश की जनता चाहे राज्य के चुनाव हो चाहे केंद्र के चुनाव हो सक्रिय भागीदारी से अपने मतदान स्थल पर जाकर उत्सव से मतदान करती है। अलग अलग उत्सव पर्व होता है, लोगों के बीच आप रहे, लोगों से आपने बातचीत की, किस तरह का उत्साह जो है वो नजर आया? लोगों में उत्साह है, लाइन लग रही है, मतदाता खड़े हैं वोट के लिए और कई महिलाएं हैं, पुरुष, बच्चे, पहले मतदाता, सब मतदाता खड़े हैं और मतदान के लिए उत्सुक है। पहली बार चुन के आए मतदाताओं में अपार उत्साह है। लोग सेल्फी खिंचाने के लिए भी आतुर थे आपके साथ? वो तो स्वाभाविक है, प्रक्रिया है, लेकिन उत्साह है। वोट की अपील, क्या नाम है? कामकाज वोट थे, अशोक गहलोत जी कामकाज जो वोट थे और राजस्थान में सरकार को एक बार रिवाज बदलते हुए सरकार को रिपीट कर। बहुत लंबे साल बाद ऐसा हुआ है कि आप खुद प्रत्याशी नहीं? नहीं, मैं 2008 में भी प्रत्याशी नहीं था। ये पार्टी के निर्णय हैं। देखिए पार्टी क्या सोचती है, मेरी बेहतरी भगवान ने कुछ इसी में सोच रखी होगी। तो मैं देखिए टिकट करता है दुख तो होता है, लेकिन न तो मैं किसी को जिम्मेदार ठहराता न मैं इसे कोई निराश हूँ। आगे संघर्ष करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति हैं हम लोग, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो जो लंबा संघर्ष पिछला भी रहा है और जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, जब तक जीवन और सार्वजनिक जीवन में रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दिव्यांग जो है किस तरीके से अपना वोट डालने के लिए पहुंची थी। यही आज के दिन की खूबसूरती होती है जहां पर दिव्यांग से लेकर महिलाओं से लेकर बच्चे जो 18 उम्र के को क्रॉस कर चुके हैं, वो युवा पुरुष सभी मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि एक वोट बहुत ज़रूरी है। एक वोट से सत्ता परिवर्तित हो जाती है। तो एक वोट आपको डालना है और आपको अपने घर से बाहर निकलना है और अपना वोट ज़रूर डालना है। और वोट डालने के बाद अपनी तस्वीर भी क्लिक करनी है और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो नंबर लगातार देख रहे हैं इस पर उसको भेजना है और उसके बाद वो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर जरूर नजर आएगी। श्रुति, बिल्कुल अभी आपको दूसरे स्टूडियो के माध्यम से हमने आपको वो ग्राफिक्स भी दिखाई जिसके बीच में कड़ाई टफ फाइट थी और उस बीच में हमने आपको बताया कि सिटी पैलेस की वो तस्वीरें थी और वो हाथी इस वजह से क्योंकि नक्काशी दार से जो वो तस्वीरें बनाई गई थी हाथी की, वो प्रवेश द्वार पर प्रहरी के रूप में लगाई गई है। अब आपको बताते हैं कि कितना मतदान अभी तक हो चुका है। वोट जो ऊंट है उसकी रफ्तार अब सुबह 7 बजे से जो धीमी गति से चलते हुए अब तेज हो चुकी है। अजमेर की बात कर ले तो 28.43%, वही अलवर की बात करें तो 26.15%, बांसवाड़ा की बात करें तो 26.37% और वही बारा की बात करें तो 28.93% अभी मतदान हो चुके हैं। यानी वोटिंग कास्ट परसेंट आपको बता रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक कितना 11 बजे तक कितना मतदान हो चुका है। तो धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग कास्ट परसेंटेज भी चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त तमाम लोगों को घर में काम होता है, महिलाओं और युवाओं के, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंट ज्यादा हुए हैं। बार बार आपको बता रहे हैं 50 लाख नए वोटर्स इस बार 5 साल में जुड़े हुए हैं, उसमें भी 22 लाख से ज्यादा युवा इस बार जुड़े हुए हैं। तो इसलिए युवा महिलाओं को काम होता है ममता, इसलिए घर से लगभग बाहर नहीं निकल पाती थी, काम वाम फिनिश करके पूरा करके वो अपने घर से बाहर निकली। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंट भी चढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, अब हम 11 बजे का इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, 11 बजे क्या वोट परसेंट है अलग अलग विधानसभाओं का, किस तरीके का वोट परसेंट निकल कर सामने आ रहा है वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। बूंदी का वोट परसेंट भी हम आपको बता रहे थे और जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़
किस तरीके से ये वोट परसेंट बढ़ रहा है, ये एक अच्छा मैसेज दे रहा है। अगर इसी तरीके से ये वोट परसेंटेज बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं श्रुति वो जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी ये टूटेगा, और अगर वो टूटेगा तो अपने आप में इस बार सत्ता बदलती है, परिवर्तित होती है, क्या होता है, स्टेबल रहती है, ये भी बड़ी बात होगी श्रुति। इसी के साथ ही ममता हम बताएंगे, क्योंकि महा मेगा कवरेज लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर जारी है, लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे महासंग्राम 2023 की लेटेस्ट अपडेट के साथ, आपको रूबरू कराएंगे। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। गुलाब जामुन गरम। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2023 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत से लेकर अब तक लगातार हम सुबह 5:30 बजे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो के हाल है। मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंच रही हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी सरकार बना रही हैं। हर अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान कर दिया है, सचिन पायलट पहुंचे थे मतदान करने के लिए, तमाम दिग्गज नेता लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। गौरव वल्लभ ने उदयपुर में मतदान किया है, प्रताप सिंह खाचरेवास ने जयपुर से मतदान किया है। और वही बात कर ले तो बिजेंद्र सिंह ओला ने झुंझुनू में मतदान किया है। आ जाते हैं महेंद्र जीत सिंह मालविया ने भी भवनपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया। ये तमाम दिग्गजों के नाम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अभी तक सुबह 11 बजे तक मतदान का प्रयोग कर दिया है। और वैसे भी सुबह 5:30 बजे से न्यूज 18 राजस्थान लगातार 199 सीटों पर राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हो रही है उसकी लगातार कवरेज दिखा रही है। हर एक जिले में हर एक जगह पे न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर्स पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच में बड़ी खबर भी आपको बता दे कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी प्रत्याशी जो कि झाला पाटन से है, वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि बीजेपी प्रत्याशी है झोटपाड़ा से, दिया कुमारी बीजेपी प्रत्याशी है विद्याधर नगर से जयपुर, और बाबा बालकनाथ की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी है तिजारा से सतीश पुनिया, बीजेपी प्रत्याशी है आमेर से कैलाश चंद चौधरी, बीजेपी सांसद है। इन तमाम दिग्गजों ने इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर वो उतरे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और ये तमाम लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे भी और मतदान करने की वो तस्वीरें भी आप तक न्यूज 18 राजस्थान ने पहुंचाई है ममता। बिल्कुल, और वोट परसेंट भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक वोट परसेंट निकलकर सामने आ रहा है और दिग्गजों ने वोट डाले हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत की पहली तस्वीर है जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जो आपको बता दें। और दूसरी तस्वीर सचिन पायलट की आपको दिखा रहे हैं जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जयपुर में उन्होंने मतदान किया है। तीसरी तस्वीर गौरव वल्लभ की आपको दिखा रहे हैं, वो भी अपना वोट डालने के लिए उदयपुर में पहुंचे थे, उदयपुर में उन्होंने मतदान किया था। तीसरी तस्वीर हम चौथी तस्वीर प्रताप सिंह खाचरवास की है, जयपुर में वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गज नेता वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। हम तस्वीरें आपको ताजी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। झुंझुनू से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जितेंद्र सिंह वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। भरतपुर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर महेंद्र जीत सिंह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो आज सुबह सवेरे अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। और इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा है, तमाम दिग्गज मैदान में हैं और आज सुबह से वोट डालने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, अपनी सरकार को चुनने के लिए अपनी बड़ी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है श्रुति, बिल्कुल सारे राजस्थान के मतदाताओं के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़ी कवरेज, 199 सीट और 199 रिपोर्टर इस बार मैदान में है। और राज्यपाल कलराज मिश्र की तस्वीर श्रुति हम आप दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, राज्यपाल की ये तस्वीर, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बीमा कर दिया, हम जानते हैं कि सबके काम 50 लाख पड़ते नहीं है, बस सिक्योरिटी मिल गई सबको, 50 लाख तक इलाज करना पड़ेगा। ये कैंसर में कई बीमारी ऐसी है, 2-3 लाख खर्च होते प्रति माह, आराम हुए लोगों को। तो आपको सर, आपको लगता है जो राइट टू हेल्थ है ये बहुत बड़ा हथियार है पब्लिक को मदद पहुंचाने का? हथियार बन गया राजस्थान के अंदर,
और नेशनली भी इसको आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इम्प्लीमेंट हो चुका है, देखा नहीं अभी हमने लाभ मिला, लाभार्थी था ये। चलो लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की महाकवरेज लगातार जारी और पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो दिग्गज नेता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और आम जनता यानी कि आप लोग किस तरीके से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही आती है तुरंत आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, राजस्थान की 199 सीटों पर इस वक्त मतदान लगातार जारी है और पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कितना परसेंट हो रहा है और मुकाबला किस पर है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। प्रदेश में अब तक 24.74% मतदान हो गया है। मतदान की 10 बड़ी बातें, राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान जारी है, अब तक 24.74% मतदान हुआ है। धौलपुर में सबसे अधिक मतदान 30.25% मतदान हुआ है, सबसे कम उदयपुर में 21.07% मतदान हुआ है। पल्लवी, और उदयपुर की बात करें तो वहां पर मतदान करने के बुजुर्ग की बताया जा रहा है कि मौत हो गई थी, बेहद दुखद खबर सामने आई थी। अटरू के देवपुरी में मतदान लगातार जारी है। बीकानेर में पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला था, ये 10 बड़ी बातें हम बता रहे हैं। झालावाड़ में 9 दंपति ने मतदान का प्रयोग किया, सीएम गहलोत ने परिवार सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे और उन्होंने वोट डाला जाकर के। ये 10 बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि सुबह 7:30 बजे के आसपास जब वोटिंग शुरू हुई तब से लेकर के अभी तक का क्या अपडेट है वो बता रहे। सबसे कम उदयपुर में हुआ है मतदान, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा। राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 24.74% मतदान हुआ है। धौलपुर की बात करें तो यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है और उदयपुर में 21.07% मतदान अभी तक की अपडेट यही सामने निकल कर आ पा रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फीसदी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि आप लोग जितनी ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे निकलेंगे, घरों से निकलेंगे, ये परसेंटेज उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे झालावाड़ में दंपति पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और बुजुर्ग महिला लगातार बाहर निकल रहे हैं घर से और अपने जो उनका अधिकार है यानी कि वोट डालने का उसका इस्तेमाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि तमाम दिग्गज नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वोट डाल चुकी हैं और इसी के साथ साथ राजवर्धन सिंह राठौर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, दिया कुमारी ने कर लिया है और सीएम अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीकानेर में पोलिंग बूथ पर इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है और कुछ जगहों पर झड़प भी सामने आई है। और इससे पहले सामने खबर ये आई थी कि कुछ जगहों पर झड़प हुई, हालांकि भारी पुलिस बल जो था वो वहां पर तैनात कर दिया गया है। और क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ी चर्चा करेंगे, लगातार खबरें आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सुमित गर्ग जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो हैं प्रवक्ता बीजेपी के हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर मिथिलेश हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास सुमित जी आना चाहूंगी। वादे बहुत किए जा रहे हैं, चाहे सीएम गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, रिवाज बदलने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, यानी कि टकटकी लगाए आप लोग बैठे हैं कि कब रिवाज बदलेगा और कब रिपीट करेगी सरकार। लेकिन ये तो जनता के हाथ में है क्योंकि बीजेपी भी तो अभी लाइन में लगी हुई है। इस प्रदेश की जनता को लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। जहां तक आपने बात करी कि कांग्रेस की, तो हम ये कहना चाहते हैं हम बड़े आश्वस्त हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रदेश की जनता, हमने जो सेवा की है, हमने 5 साल तक जो सुशासन दिया है उसको लेकर अब बूथ पर जा रही है, अधिक से अधिक संख्या में जा रही है और हमें आशीर्वाद देने जा रही है। और ये आप मेरी बात को यकीन मानिए, 3 तारीख को हम इस प्रदेश में
दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जहां तक आपने हमारी घंटियों की बात करी, हमने वो करके दिखाया है, हमने आज उनको बढ़ाया है, जो पहले दिए थे उनको बढ़ाने का काम किया है। जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो किया उसी को ही वो बढ़ा रही है। हमने क्योंकि कर चुके हैं इसलिए जनता हम पे विश्वास करती है। दूसरी तरफ हमारे ये जो साथी हैं, ये ना तो इनकी नीयत ठीक है ना नीति ठीक है, जनता इनको नकार चुकी है। 2018 में नकार, फिर नकारेगी और 3 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। लक्ष्मीकांत जी, जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी, इनको नकार देगी, ये तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सुन लिया है, लेकिन ये जो वोट पर्सन निकलकर सामने आ रहा है इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे, उनका कहना है कि इस बार वोट पर्सन बढ़ेगा, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखिए, जो ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये आक्रोश है सरकार के खिलाफ, और इस बात का आक्रोश है कि राजस्थान में दुष्कर्म के बाद बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके जलती भट्टी में उनको फेंका गया। यह आक्रोश इस बात का है कि राजस्थान में दुष्कर्म करके बेटी को मारकर तेजाब डालकर कुएं में फेंका गया। यह आक्रोश इस बात का है कि मुख्यमंत्री के घर से केवल 5 किलोमीटर दूर एक थाने में बलात्कार पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण 10 साल के बेटे के सामने तेल डालकर खुद पर आग जलाकर जलकर मर गई। यह आक्रोश इस बात का है कि महंगाई के मामले में आज देश में राजस्थान नंबर 1 पर है, पेट्रोल डीजल की के मामले में देश में नंबर 1 पर है।